हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवकार। तो आज का हमारा टॉपिक है कटिंग टूल। ओके, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में। तो मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली हम काम करते हैं मेटल्स पे। बेसिकली जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम बेसिकली काम करते हैं वो मेटल्स पे करते हैं। तो आज हम मेटल कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने मेटल कटिंग टूल क्यों कहा आपको? मैंने मेटल कटिंग टूल इसलिए कहा क्योंकि जैसे आप बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल वो उपकरण होता है, कटिंग टूल नाम से पता लग रहा है, कटिंग टूल, ठीक है। तो ऐसे समझिए आप, टूल का मतलब हो गया उपकरण और कटिंग का मतलब हो गया काटने वाला उपकरण, ठीक है। तो काटने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसे कहते हैं कटिंग टूल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं मेटल कटिंग टूल की, मतलब मेटल को काटने वाले टूल को कहेंगे मेटल कटिंग टूल। तो हम मेटल कटिंग टूल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि मेटल कटिंग टूल के बारे में पढ़ने से पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि कटिंग टूल कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम कटिंग टूल कैसे काम करता है उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। वन सेकेंड, ये देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है ये हमारा वर्क पीस है या वर्क पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। और ये जो है हमारा, ये हमारी चिप बन रही है। चिप, चिप क्या होती है? जब भी हम मेटल को काटते हैं या मेटल को जब वर्क कटिंग टूल से काटते हैं तो एक चिप बनती है। चिप मतलब वेस्टेज पार्ट, जो हमारे काम का नहीं होता है। और क्या है कटिंग टूल? क्या है ये कटिंग टूल है, ठीक है। ये जो है इस पूरे को हम कटिंग टूल बोलेंगे, कटिंग टूल। अब आप ऐसे समझो, जैसे आपने कभी मेटल कटते हुए अगर नहीं देखा है तो हम जैसे बात कर रहे हैं, आपने कभी आरी देखी है? आरी उसको बोलते हैं हेक्सो। अगर मैकेनिकल की लैंग्वेज में हम बात करें तो उसे कहेंगे हेक्सो, ठीक है, HACKSAW, हेक्सो, ठीक है। तो आरी क्या काम करती है? आरी, अब आप कहेंगे सर आरी लकड़ी को भी काटती है, आरी लोहे को भी काटती है, लोहे को जनरली कम देखा हुआ काटती है, पर इन सबको आरी काटती है, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँ, मेटल में जैसे आपने अभी तक जो पढ़ा है मेटल्स में आप बेसिकली लोहे के बारे में ज़्यादा सुनते हैं कि मेटल, आप लोहे को मेटल मानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लोहे को आपको काटना, आप कैसे काटेंगे? कोई कहेगा सर वेल्डिंग से काटेंगे, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बोला, वेल्डिंग से भी काट सकते हैं। वेल्डिंग के अलावा अगर मैं कहूँ, वेल्डिंग से कभी फिनिशिंग नहीं आती, आपने देखा है कभी वेल्डिंग से काटते हुए? जब भी हम वेल्डिंग से लोहे को काटते हैं तो उससे फिनिशिंग नहीं आती काटने पे। तो फिर किससे काटना चाहिए? तो मैं कहूँ कि हम कोई ऐसा एक टूल बना दें जिससे हम उसे काट सकें। एक आपने लेथ मशीन देखी होगी, कल जब मैं वीडियो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लेथ मशीन का वीडियो एक बार ज़रूर देख लें कि लेथ मशीन कैसे काम करती है, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, मैंने लेथ मशीन का एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। जैसे ये लेथ मशीन है, ओके, इसको बोलते हैं लेथ मशीन, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि लेथ मशीन ज़रूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है, लेथ मशीन का वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, जिससे आपको आइडिया जाए। जैसे ये है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक ये लोहे का पीस है, ठीक है, इसको वर्क पीस कहते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज में, ठीक है। ये देखिए, ये वर्क पीस है, और यहाँ पे जो काटने के लिए उपकरण जो है इसको बोलेंगे कटिंग टूल। यहाँ ये कैसे काम कर रहा है, लेथ मशीन में कैसे काम कर रहा है, बेसिक आइडिया देता हूँ आपको, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे लेथ मशीन। ये जो है ये पार्ट घूमता है वर्क पीस का, किसके साथ? इस पूरे के साथ। जब ये घूमेगा तो वर्कपीस भी घूमेगा, वर्कपीस के ये घूमेगा तो वर्कपीस भी घूमेगा। ये कटिंग टूल यहाँ पे अपनी जगह फिक्स रहता है और इसको काटता हुआ जाता है और मेटल को फिनिश कर देता है, ठीक है ना। ये सारी ये लेथ मशीन के फ़ोटोज़ हैं सारे, एक दो और तीन, ठीक है, ये
लेथ मशीन के फोटोज हैं, क्लियर है। तो लेथ मशीन ऐसे काम करती है। इससे क्या होता है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ये ओरिजिनल है पार्ट और ये बनने के बाद है, ये देखो कितनी अच्छी फिनिश आ रही है। तो ऐसी फिनिशिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कटिंग टूल चाहिए होता है ना। कटिंग टूल आप यहाँ पे देख के समझ ही रहे होंगे कि कटिंग टूल क्या होता है। ये कटिंग टूल है, ये वाला, ये कटिंग टूल है आपका, ये जो है ना, ये ऐसे शेप का बना हुआ है, ये कटिंग टूल है पूरा, या यहाँ से यहाँ तक पूरा कटिंग टूल हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया कटिंग टूल क्या है, बेसिकली कटिंग टूल क्या है, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे हमने आरी देखते हैं, आरी हेक्सो, तो वो भी एक तरह का कटिंग टूल है। ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल बिट देखी है आपने, वो भी एक तरह का कटिंग टूल है, ठीक है। तो कटिंग टूल आपको आइडिया हो गया कि कटिंग टूल क्या है, ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं कटिंग टूल में, ठीक है। अब उसके हम बात पढ़ते हैं कटिंग टूल काम कैसे करता है। अच्छा, सबसे पहले कटिंग टूल के टाइप में आपको बता देता हूँ। एक बात और ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा डिटेल में, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते रहना, ठीक है, नोट्स बनाना भी ज़रूरी है ताकि आप दोबारा कभी पढ़ो तो दिक्कत ना आए। अच्छा, दूसरा हम एक चीज़ और, कटिंग टूल कितने तरह के होता है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। कटिंग टूल बेसिकली, कटिंग टूल दो तरह के होते हैं, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। एक सेकेंड, मैं उसका फोटो लेना भूल गया आपके लिए, ओके, कोई बात नहीं। तो आप दो पॉइंट लिख लीजिए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अच्छा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं, देखिए, जिस कटिंग टूल में एक ही पॉइंट काटने के लिए काम आ रहा है उसको बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही पॉइंट से कट रहा है, सारी एक ही पॉइंट से कटिंग हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहाँ देखेंगे आप, आपने कई बार कटर देखा है, कटर ग्राइंडर की तरह एक कटर आता है, लोहे का कटर सा आता है, उस पर आप एंगल वगैरह रखते हैं, एंगल काट देते हैं, या आरी देखिए, आरी उसमें कई सारे पॉइंट्स लगे होते हैं, कई सारे पॉइंट्स की मदद से अपन काटते हैं, तो उसको कहेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ड्रिल देखा है, ड्रिल बिट, उसमें दो पॉइंट होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी दो कभी मैक्सिमम चार, वो सब काटने में काम आते हैं, ठीक, तो उसको कहेंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्लियर है यहाँ तक, कटिंग टूल के बारे में बेसिक आइडिया आपको लग गया है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की इस चैप्टर में, ठीक ना। ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कटिंग टूल वाला, इसमें हम बेसिकली डिटेल से स्टडी करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप देख सकते हैं, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। इससे पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको, मैं बता रहा था कि कटिंग कैसे होती है। अब हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे और किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब मैं आरी वारी के बारे में आप सोचना बिल्कुल बंद कर दो, ड्रिल बिट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ जहाँ जहाँ यूज होता है। मैं आपको पहले से थोड़ा बता दूँ, हो सकता है अभी वीडियो अगर बाद में देखते हैं तो आपको पता लगे, शेपर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, प्लानर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। आप अभी अगर आपने फर्स्ट में ये लेक्चर स्टार्ट किया है तो आप उस बारे में ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए अभी आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपने कहाँ देखा है, जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है, ये लेथ में, ठीक है। आप इसको माइंड में रखिएगा कि ये कैसे कटिंग करता है। अब देखिए, अब ये कटिंग कैसे करेगा, देखिए आप ऐसे मान लो कि यहाँ से ये वर्कपीस राउंड मान लो या किसी भी शेप का मान लो, जैसे मान लेते हैं ये राउंड वर्कपीस है, ठीक है, ये राउंड में वर्कपीस है, ठीक है। अब क्या है, अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अगर ये इस तरह से घूम रहा है, अगर आपका कटिंग पॉइंट कटिंग टूल फिक्स है तो ये इस तरह से चिप निकलेगी, इस पर इस तरह की चिप निकलेगी, इस पर समझ गए, ये चिप है, ये चिप निकलेगी इस पर,
अगर मेरा ये वर्क पीस है और ये मेरा कटिंग टूल है तो इस पे चिप निकलेगी। चिप समझ गए, चिप किसे बोलते हैं? आगे से कभी प्रॉब्लम आएगी चिप नाम में, चिप का मतलब होता है वो वेस्टेज पार्ट जो हमने मशीनिंग करने के लिए या किसी मेटल पे ये मशीनिंग कर रहे हैं हम सब, है ना? ठीक है, किसी मेटल पे मशीनिंग करने के लिए, किसी मेटल को फिनिश करने के लिए, काटने के लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है या जो बेकार पार्ट निकलता है उसको बोलते हैं चिपिंग, उसको कहते हैं सॉरी चिप। ठीक है, चिप। ठीक है, तो ये आपको एक चिप दिखा रहा है, एक कटिंग टूल दिखा रहा है। ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, ये जो है नई सरफेस दिखा रहा है, ये नई सरफेस बन गई, ये आपका और क्या है इसमें भी आपका काम का, ये देख लीजिए आप, कटिंग एज ऑफ टूल, ये कह रहा है इस एज की वजह से कट रहा है। ठीक है, और बाकी पार्ट तो बेकार हो गया आपके हिसाब से अभी तक, जितना आपको नॉलेज है, आपको तो ये नॉलेज होगा कि सर सिर्फ इससे कट रहा है, ये और ये तो बेकार है। ठीक है, अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस पार्ट की, कटिंग टूल की। ठीक है, तो ये क्या था? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था। ठीक है, अब हम सिंगल पॉइंट, अब ऐसा होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, कैसा होता है ऐसा? ठीक है, ये है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सबसे पहले इसके पार्ट्स, इसके बॉडी के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसकी बॉडी, बॉडी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट, ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं फेस, इधर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेस, साइड वाले को बोलते हैं शेंक, ये पूरा शेंक हो गया। ठीक है ना, ये पूरा शेंक हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट जो हो गया फेस हो गया, और यहीं से कटिंग हो रही थी इस जगह से, इसको बोलेंगे नोज। क्या बोलेंगे? नोज। यही तो है वो सिंगल पॉइंट जहाँ से कटिंग हो रही है, नोज हो गया, इसके नीचे की तरफ हील हो गया, ये फ्लैंक हो गया, ये मेजर फ्लैंक है, माइनर फ्लैंक ये। अब यहाँ पे धार कहाँ कहाँ ज़रूरी है आपको? यहाँ पे धार होनी चाहिए और यहाँ धार होनी चाहिए और यहाँ धार होनी चाहिए, बाकी किसी जगह आपको धार की ज़रूरत है नहीं है, एक थोड़ी बहुत धार नीचे की तरफ होनी चाहिए, ज़्यादा धार की ज़रूरत नहीं है नीचे भी। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल में धार कहाँ कहाँ होती है। एक्चुअल में धार होती है इस पॉइंट पे, थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ साइड कटिंग एज और सॉरी एंड कटिंग एज और साइड कटिंग एज। ठीक है ना, क्लियर है? इस तरह का होता है अपना सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जो यहाँ पे लेथ में इस जगह लगाते हैं अपन, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ वर्क पीस लग जाता है अपना और वो काट देता है। देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, थोड़ा सा आपको अलग नज़र आएगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ वैसा ही है, जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ शेप वगैरह वैसी है। ठीक है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और ये यहाँ पे अपना वर्क पीस है, वर्क पीस घूम रहा है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इसको काट रहा है। ठीक है, ये भी इसके तीन डायग्राम दिखाए हुए हैं, इनको अपन सेकंड लेक्चर में, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने कटिंग टूल के बारे में और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ाई है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कटिंग टूल टर्मिनोलॉजी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है, कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से शेप होती है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।